बुजुर्गो साथियों माता और बहनों सबको राम राम। देखिए चर्चा चल रही है कि वे प्रधान हमारे देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा करी है कि भाई कृषि कानून वापिस। ठीक है, हम धन्यवाद करा हा, देर आए दोस्त आए, लेकिन इसके साथ साथ हमारा भारत का किसान मजदूर, देखिए जब दूध का चलाया लासी में फूक मारा तो हम अपने हिसाब से चलेंगे। साहब तुमसा जो 22 नवंबर को नखलों में पंचायत है और जो की तो होगी, कोई फेर बदल नहीं होगा उसमें। 26 नवंबर को हमारे किसान मजदूर दुकानदार एक साल पूरा हो जाएगा और साल भर रोडों पर पड़े हैं, बुरी हालत से पड़े, सभी मौसम क्रॉस करे हैं, ज्यादा गर्मी बर्फ और तूफान, और एक साल का हम पूर्ण मनाएंगे। 29 नवंबर को संसद कूच, जो कि 500-500 आदमी जाएंगे और हमारा कार्यक्रम तय समय के अनुसार और जारी रहेगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। जब हमने रुको भाई थोड़ा फेर पूछोगे, जब तक हमने एमएफसी में संसद में गारंटी नहीं मिलेगी और संसद में बिल पास नहीं होगा, जब तक हमारा आंदोलन जो का तो जारी रहेगा। जितने हमारे यानी 40,000 के करीब मुकदमे हैं हमारे किसान मजदूर पर, जिसमें 307 के मुकदमे भी हैं, जब तक वहां ये मुकदमे वापिस नहीं होंगे, देश का आंदोलन चलता रहेगा। जो भी हमारी मांग, जो हमारे 786 किसान मजदूर शहीद हुए देश में, और उनकी मांग जो की तो रहेगी, मांग पूछी हमारी एक नौकरी, मुआवजा 1 करोड़ रुपये मांग है हमारी, मुआवजा जो हमारे कर्ज जुड़िए 786 सरकार से 1 करोड़ की पूरी, क्योंकि जो हमारे भाई हमारे जो हमारी माता बहने में थी, इनका सुहाग इनके पेट के अंदर जो 9 महीने पेट में रखे, इस सरकार की वजह से गए हैं, ना कि खुद की वजह से, उनके लिए 1 नौकरी 1 करोड़ मुआवजा, ये हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी जब तक आंदोलन जारी रहेगा। क्योंकि इसके कारण है बहुत से आंदोलन हुए, हम 2016 में भी चोट खाए बैठे हैं और भी बहुत आंदोलन हुए, जब एनआई सरकार के बराबर कोई आंदोलन होता है, कोई घटना घटती है तो उसमें पूछने वाले कम रह जाते हैं, इसलिए हम उन भाइयों को कोई जवाब नहीं दे सकते जो आज वीर गति को प्राप्त हो चुके किसानों के लिए। इसलिए हमारी मांग जब तक नहीं मानी जानी, जब तक आंदोलन जारी रहेगा।